लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ कुठौत पुलिस ने अभियुक्त को पकड़कर भेजा जेल। मामला कुठौत जवान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस वीर सिंह के निर्देश पर जिले भर में पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाया जा रहा है। सर्च अभियान के तहत तो अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी माधवगढ़ के नेतृत्व में कुठौत पुलिस को लगाया गया। कुठौत थाना अध्यक्ष को मिली मुखबिरी की सूचना पर जलान चौराहे से बगरा रोड पर एक अभियुक्त खड़ा था, जिसको पुलिस को देखते ही अभियुक्त भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसको पकड़ लिया। देर रिपोर्ट। मुखबिर द्वारा ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों द्वारा इस तरह से गांजे का व्यापार किया जा रहा है। इस पर एक टीम लगाई गई थी, ये थानाध्यक्ष के नेतृत्व में। कल रात में इस टीम को गांजा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। उसमें एक राकेश चौरसिया है और दूसरा जितेंद्र कुमार है। राकेश चौरसिया के पास से 19 kg गांजा और जितेंद्र कुमार के पास से 8 kg गांजा बरामद हुआ है। राकेश चौरसिया का इसके अलावा भी NDPS एक्ट का एक पहले आपराधिक इतिहास रहा है और इनके ऊपर विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा गया है।